अंबाला में पूर्व मंत्री अनिल विज की राहुल गांधी को नसीहत, कहा सदन से माफी मांगनी चाहिए। हुड्डा पर बोले, ऐसी गोली देंगे कि उछल उछल कर भागेंगे। हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग में भगदड़ के दौरान लगभग 121 लोगों की मृत्यु के संबंध में अफसोस जाहिर करते हुए कहा है कि ये हृदय विदारक घटना है और लगभग 121 लोगों की मौत हुई है। विज ने कहा कि मेरा मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर भीड़ होने के तहत आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए कोई नीति बनाई जानी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में तो रोज कार्यक्रम होते रहते हैं। इसके लिए कोई ठोस नीति बननी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। विज आज मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस हादसे में कई गंभीर भी है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने जांच की भी बात कही है। राहुल गांधी द्वारा हिंदुत्व पर दिए गए बयान पर अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को भिन्न भिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न जातियों में विभाजित करना चाहते हैं, लेकिन मेरा उनसे यही कहना है कि जो धर्मों पर ज्ञान बांट रहे हैं संसद में, इनको ये पता नहीं है कि कौन सा धर्म क्या है, इसीलिए इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। विज ने कहा कि जो कुछ भी उन्होंने यानी राहुल गांधी ने कहा है उसके लिए नतमस्तक होकर सदन में माफी मांगनी चाहिए। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उसकी जांच कराई जाएगी और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन मेरा मानना है कि भीड़ को के कार्यक्रम करने के लिए कोई नीति बनाई जानी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर कि अगर इतने लोग हैं तो ये इंतज़ाम करने होंगे, अगर इतने लोग हैं तो ये हमारे हिंदुस्तान में तो रोज़ इकट्ठे होते रहते हैं, रोज़ भीड़ लगती है, तो उसकी नीति कोई सॉलिड होनी चाहिए कि परमिशन देने से पहले ये चीज़ें करनी ज़रूरी हैं, इतने कैबिन बनाने पड़ेंगे, इतने लोग खड़े करने पड़ेंगे, ये इस प्रकार की नीति बनानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। वो बिल्कुल देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को भिन्न भिन्न धर्मों में जातियों में वर्गों में विभाजित करना चाहते हैं, और मेरा उनसे कहना है कि ये जो वो धर्मों पे ज्ञान बांट रहे हैं ना पार्लियामेंट में, ये इनको पता नहीं है धर्म क्या है, क्या है धर्म, कौन सा धर्म क्या है, और इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए, और उनको जो कुछ उन्होंने कहा है उसके लिए नतमस्तक होकर सदन में माफ़ी मांगनी चाहिए।